तो दिवाली से पहले ना अपनी ग्लोइंग स्किन पाने के लिए ना बहुत ही अच्छा सा क्लीन अप करने वाले हैं, जिसमें सारे ही प्रोडक्ट ना 20 रुपीज के होने वाले हैं और कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं होने वाले, सारे ब्रांडेड होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें अपना क्लीन अप करना है, वो भी घर पे बिल्कुल पार्लर लाइक आपको ग्लो दिखने वाला अपने फेस पे। तो सबसे पहले ना आपको फेस वॉश करना है। हिमालय का ना 15 रुपीज का फेस वॉश आ जाता है, मैंने ना पहले भी यूज किया हुआ है, बट मैं रेगुलर वाला अपना फेस वॉश कर रही हूँ। देन आपको 1 मिनट के लिए करना है ताकि सारे ही जो डस्ट है ना, पॉल्यूशन है, सब चीज आपके स्किन पे से निकल जाए, क्योंकि 1 मिनट तो लगता ही है आपको अपना जो फेस वॉश है ना करने में, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। वॉश करने के बाद ना हमारा फर्स्ट स्टेप फिर होने वाला है ना, आपको क्या करना है, अपने जो स्किन है ना उसको स्टीमिंग देनी है। उसके लिए आप स्टीमर का यूज कर सकते हो अगर आपके पास है, अदरवाइज ना आप क्या कर सकते हो कि गर्म पानी में ना हैंकी को डिप करके और इस तरीके से ना 5 to 10 मिनट के लिए ना अपने स्किन पे रख सकते हो, और ये प्रोसेस ना कर सकते हो 5 to 10 मिनट के लिए जितना पॉसिबल हो। इससे ना आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जो भी हम एक्सफोलिएट करेंगे, स्किन केयर करेंगे ना, वो हमारी डीपली क्लीन होने वाला है। तो हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है एक्सफोलिएट का। उसके लिए मैंने एवरीयूथ का 15 रुपीज का स्क्रब लिया है, जो मैं 2 बार यूज कर सकती हूँ, ये 3री बार है। इसमें ना इतनी ज्यादा क्वांटिटी मिल जाती है कि आप ना बहुत अच्छे से इसको हाई क्वांटिटी में इसको यूज कर सकते हो, ये भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा ही। तो अच्छे से ना आपको अपने जो नोज एरिया है उसको अच्छे से ध्यान से एक्सफोलिएट करना है। हम पूरे फेस पे ही कर रहे हैं, बट जो नोज होता है ना उस पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ज्यादा होते हैं, तो उस तरीके से ना हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। एंड 5 मिनट के बाद ना जेंटली मसाज करने के बाद ना आपको वॉश कर देना है। तो हिमालय का ना फेस पैक आ जाता है नीम वाला, उसको अपने पूरी स्किन पे अप्लाई करना है। जो भी हमने पोर्स अपने क्लीन किए हैं ना उसको क्लोज करने के लिए ना फेस पैक अप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे आपकी स्किन टाइट होती है, लाइट होती है, और आपकी स्किन ना बहुत ग्लो करती है। तो ये स्टेप करने के बाद जब आपका ड्राई हो जाएगा ना, देन उसके बाद आप ना इसको अच्छे से वॉश कर दोगे। तो अब हम यूज करने वाले हैं रोज वाटर को टोनर के रूप में। ये हमारा टोनर का वर्क करेगा और अपनी स्किन को ना बहुत फ्रेश फील करवाएगा। उसके लिए ना 16 रुपीज का आपको ये रोज वाटर मिल जाता है, आपको टोनर की तरह अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। तो क्लीन अप अंडर रुपीज 15 रुपीज ना मैंने पहले भी शेयर कर रखा है और पूरा डिस्क्राइब कर रखा है अच्छी तरह से, तो उसका लिंक ना मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके ना चेकआउट जरूर करना, क्योंकि आपको ना वहां पे से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी आपको अलग से भी दिख जाएंगे, जो मैंने इस वीडियो में यूज नहीं किए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ अलग प्रोडक्ट यूज कर रखे हैं। तो लास्ट स्टेप में ना मैंने फेस शीट मास्क यूज किया, जो कि फर्स्ट टाइम यूज किया, और मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही थी इसको यूज करने के लिए, और मुझे ना निकालने में भी नहीं बन रहा था इसको कि जैसे फट ना जाए। और ये ना ओसीस का था, जो कि कोरियन शीट मास्क था, और ये मुझे मिला था ना 99 रुपीज में, बट ये हम 20 रुपीज की बात करें तो बहुत ही चांस है, अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हो ना क्वांटिटी में, तो आपको ना 15 रुपीज में ये मिल जाता है। तो ये ना ऑप्शनल है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो या नहीं भी, तो 15 मिनट के बाद ना इसको निकाल देना होता है, और इसके बाद जो ग्लो आता है ना आपका, वाह क्या मजा ही आ जाता है। तो दिवाली का जो फेस्टिवल चल रहा है ना, उसके लिए हमें जो ग्लो अप चाहिए ना, तो ये सारे स्टेप करके ना आप बहुत ही अच्छा ग्लो अप अपनी स्किन को पा सकते हो। शाइनिंग स्मूथ होने वाली है एंड आपकी स्किन ना बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग लगने वाली है। लुक एट दिस, इतना ज्यादा ग्लो लग रहा था, बहुत ज्यादा शाइन लग रहा था मेरे फेस पे। तो या वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी ना तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर देना।